which of the following statement is not valid for oxo acid of phosphorus? Not, ध्यान क्या रखना है, नॉट पे हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3O4। और हमें पता है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के अंदर हम एसिडिक हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, क्या कर लेते हैं हम, -1। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे पास में, 4। तो इसका मतलब इसमें 3 क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो ये क्या करेगा, हमें 3 टाइप के क्या करेगा, अपने फॉस्फेट ग्रुप देगा। ही है हमारे पास में हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाइप्रोटिक एसिड हो जाएगा। हाइपोफॉस्फोरस इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम H3PO2। अब H3PO2 में आपको बताना है, यहाँ पर अभी हमने देखा एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, वो में से एक गया तो 1। तो यहाँ पर कितना होगा, एक ही क्या होगा हमारे पास में, एक हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इज, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड है, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस, सही बात है। तो शेप करें तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। All oxo acid contain at least 1 PO and 1 POH bond. Oxo acid आप जब फॉर्म करते हैं तो उसको बनाने के लिए 2 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, एक पी डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक पी ओ एच ग्रुप होना चाहिए। इसी रीजन से ये आता है, तो ऑक्सीजन में से यही इसी की ट्रिक से ये निकल के आता है। हमसे नोट पूछा था तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।